मैं आपको साफ लफ्जों में कहना चाहूँगा, अगर अमित शाह ठगी झूठलर सबसे बड़ा झूठा मक्कार आदमी ऐसा होम मिनिस्टर हिंदुस्तान को पहली बार मिला होगा जो इतना बड़ा झूठ कहा कह रहा है। वो खुद मोदी जी के बारे में झूठ कहा था कि मोदी जी बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन मोदी जी खुद कहे थे कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ। वो मोदी जी के बारे में कहते हैं कि ये उनका जो है डिग्री है, एमए किया है, बीए किया है, लेकिन मोदी जी ने खुद कहा है कि मैं पढ़ाई लिखाई नहीं किया हूँ, मैं स्कूल कभी नहीं गया हूँ दोस्तों। तो ये झूठ साबित हुआ। अब जो वो कह रहे हैं कि 200 सीट लाएंगे, अभी उनका बंगाल में 2 सीट है शायद, वो भी छीन लेंगे। ये लोग आते हैं विभाजन करने के लिए। गोरे अंग्रेज चले गए, ये काले अंग्रेज हैं जो आपको हमें जाति और धर्म के नाम पर, कभी कलर के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही है। नहीं, ये मैं आपके बात से सहमत नहीं हूँ कि मुसलमान गद्दारी नहीं कर सकता है। मुसलमान के खून में गद्दारी नहीं है। हम लोग 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन गद्दारी नहीं करेंगे। देखिए, किसान का आंदोलन इनके ऊपर बहुत भारी पड़ चुका है। जैसे CA NRC के टाइम पे हमारी माँ बहनें जो सामने टक्कर दी थी, आज हमारे सरदार भाई भी टक्कर दे रहे हैं। ये लोग अभी कम से कम 1 साल लड़ेंगे। ये आप भूल गए हैं कि जो सरदार और जो मुसलमान मट्टी में मिलना जानता है, तो मोदी और योगी का सरकार को मट्टी में मिलाना भी जानता है। देखिए, ये बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आपको सामान बेचना है तो आप OLX में जाएं, और ईमान बेचना है तो आप BJP में जाएं। BJP अभी एक तरह का हो गया है वॉशिंग मशीन हो गया है। BJP अभी हो गया है एक वॉशिंग मशीन, मतलब अपना जितना भी गुनाह है उसके अंदर घुस जाओ, थोड़ा सर्फ डाल दो और धुलाई हो जाएगा, वहाँ से आपका गंदगी निकल जाएगा। ये असल में क्या है पता है जावेद भाई? ये जो है, मैं खुले अल्फाजों में कह रहा हूँ, गुलाम रब्बानी की आवाज़ आपके मीडिया के जितने दूर तक जा रही है, मैं ये कहना चाहूँगा, ये है कोयला। ये लोग जो है BJP और उनके तमाम नेता हैं, छोटा वार्ड का नेता से लेकर बड़ा नेता जो है, ये लोग कोयला है। अब कोयला को अगर आप सर्फ से धोइए, निर्मा से धोइए, लेकिन काला रंग काला ही रहेगा। ये लोग काला ही रहेंगे। तो इनका कभी आप समझ नहीं देखिए, सादा कोयला कभी नहीं देखें, ये काला ही रहेंगे। तो इनसे काले करतूतों की काली सरकार कहा जाती है इसको, ठीक है। नमस्कार आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त हावड़ा के पिलखाना मोड़ में हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं नेशनल माइग्रेंट वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से मिशन कैंप बंगाल के नाम से एक कार्यक्रम का इनेकाद किया गया। जैसा कि जानते हैं, यहाँ गरीब बच्चों में लोगों में कंबल की तकसीम की जा रही है, ये नेशनल माइग्रेंट की तरफ से दिया जा रहा है। और हमारे साथ और भी कई लोग हैं, हम बात करेंगे नेशनल माइग्रेंट के चेयरमैन गुलाम रब्बानी से, और जिसे कन्वेनर बनाया है, जिम्मेदारी दी है, उनसे भी बात करेंगे। आइए सुनते हैं उनका ये मिशन के बारे में और आज की राजनीति और पॉलिटिक्स के बारे में उनका क्या कहना है। सबसे बड़ी बात है कि आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे कि 7 नवंबर को कोलकाता के प्रेस क्लब में नेशनल माइनॉरिटी वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से, जिसमें सभी धर्मगुरु मौजूद थे और साथ साथ हमारे जितने भी अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं बंगाल के, सभी मौजूद थे उसमें। सब मीडिया मौजूद थी, लेकिन गोदी मीडिया मौजूद नहीं थी उसमें। तो उसमें जो है, हम लोग मोदी जी का 45 ठगी को हम लोगों ने सामने रखा था। ठगी मतलब जो ठगा गया है, तो 45 ऐसा ठगी जो हम लोगों के साथ में हुआ है, तो उसको सामने रखा गया था, मीडिया के सामने रखा गया था। तो उस मुहिम को जो है अभी तक चलाया जा रहा है। अभी हम लोग 7 नवंबर के बाद से पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम बर्धमान, मालदा, हुगली, आज हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में, कलकत्ता, ये सभी जगह में किया गया है। और आने वाले जनवरी महीने में और भी 4 डिस्ट्रिक्ट में ये जाएगा। इसको हम लोग जो है 45 पॉइंट जो है बीजेपी की फेलियर जो है, बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड जो है, हम लोगों ने 4 लैंग्वेज में प्रिंट किया है, ताकि 4 लैंग्वेज जो है एकजुट होकर वो देखें, समझें, पढ़ें, ताकि आने वाले वक्त में बंगाल में जो विधानसभा इलेक्शन होने वाला है, वो लोग याद रखें किसके साथ में हमें खड़ा रहना है।
बीजेपी के साथ खड़ा रहना है कि हमको किसी और के साथ खड़ा रहना है, कि हमको टीएमसी के साथ खड़ा रहना है। ये आज हम लोगों ने बीजेपी का फेलियर जो है 45 पॉइंट, हम लोग उसको चार लैंग्वेज में प्रिंट करवा कर, इंग्लिश में, हिंदी में, बंगाली में, उर्दू में प्रिंट करवा कर हम लोगों ने तकसीम किया है। तकरीबन लाखों की कॉपीज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, हर घर में जा रहा है। अब हम लोग हर विधानसभा में जा रहे हैं ताकि लोगों को मालूम होना चाहिए कि कृष्ण जैसा कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, जो आपके साथ खड़ा वही सबसे बड़ा। और ये शायद उन लोगों का दो सीट है, मैं आपको साफ लफ्ज़ों में कहना चाहूँगा, अगर अमित शाह ठगी, झूठलर, सबसे बड़ा झूठा मक्कार आदमी, ऐसा बड़ा ऐसा होम मिनिस्टर हिंदुस्तान को पहली बार मिला होगा जो इतना बड़ा झूठ कह रहा है। वो खुद मोदी जी के बारे में झूठ कहा था कि मोदी जी बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन मोदी जी खुद कहे थे कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ। वो मोदी जी के बारे में कहते हैं कि ये उनका जो है डिग्री है, एमए किया है, बीए किया है, लेकिन मोदी जी ने खुद कहा है कि मैं पढ़ाई लिखाई नहीं किया हूँ, मैं स्कूल कभी नहीं गया हूँ दोस्तों। तो ये झूठ साबित हुआ। अब जो वो कह रहे हैं कि 200 सीट लाएंगे, अभी उनका बंगाल में 2 सीट है शायद, वो भी छीन लेंगे। नहीं नहीं नहीं, देखिए कामयाब नहीं हो रही है, वो भी एक तरह का झूठ और ठगी है, वो भी एक तरह का झूठ और ठगी है। एक बोलता ना कि शेर आया भागो भागो, लेकिन शेर आता नहीं है। लेकिन देखते हैं कि शेर का भेस में कुत्ता भी नहीं है, शेर का भेस में कुत्ता भी नहीं है। तो ये डरा कर इंसान को वोट ले लेते हैं। फिर ईवीएम का वोट डाला, पैसा देना, एमएलए खरीदना, एमपी खरीदना, तो इनके खून में शामिल है। तो ये जीत नहीं है। अगर आप स्टैटिक्स को देखेंगे, अगर आप इनके चार्ट को अगर देखेंगे कि किसको कितना वोट मिला है, कौन सी पार्टी को कितना वोट मिला है, तो इनको जो है मिनिमम वोट मिला है। ये गठबंधन करके जीते हैं। जिस तरह का इनको हर स्टेट में इनका जो पहले सीएम था, सरकार था, आज वो बात नहीं है। लेकिन एक और मकसद ये है कि ये लोग जो है एक बी टीम खड़ा किए हैं, बी टीम ओवैसी साहब का बी टीम खड़ा किए हैं। ये जाते हैं हर स्टेट में इलेक्शन लड़ते हैं, 4 सीट 5 सीट ले लेते हैं, जो मौजूदा सरकार है उसको कमज़ोर कर देते हैं। 20 से निकलता कौन है, मीन तो कुछ कर नहीं पाएंगे। वो बंगाल में आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, वैसे वापस जाएंगे। लेकिन फ़ायदा किसका हो जाएगा इसमें, बीजेपी का फ़ायदा हो जाएगा। ये सब बात है, ये हमको और आपको समझने की ज़रूरत है। मेरी आवाज़ गुलाम रब्बानी की आवाज़ आपके मीडिया के थ्रू जितनी दूर तक जा रही है, मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, बौद्ध, जैन, दलित सभी को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हाथ जोड़ कहना चाहूँगा कि आप लोग दिमाग खोल कर बात करें, नज़र खोल कर बात करें, सोचें समझें कि इतने दिन में 10 साल की पीरियड में ममता बनर्जी का सरकार यहाँ पर था, हम लोगों को कितना तकलीफ यहाँ पर हुआ, कभी आज तक नहीं हुआ। यहाँ पर आप देखें, कभी लव जिहाद हुआ है, कभी यहाँ पे गोरू और गाय का ऊपर को लेकर पॉलिटिक्स की गई है, जाति और धर्म के नाम पर लेकर भी पॉलिटिक्स की गई है, नहीं की गई है। ये लोग आते हैं विभाजन करने के लिए। गोरे अंग्रेज चले गए, ये काले अंग्रेज हैं जो आपको हमें जाति और धर्म के नाम पर, कभी कलर के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही है। तो ये आप समझें, हम लोगों को ना दाढ़ी वाला मौलाना चाहिए, ना हमको योगी चाहिए। हमको कोई ऐसा लीडर चाहिए जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेकर चले। ये कौन है ये आप लोग सभी जान रहे हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए कि आने वाले वक्त में किसके साथ हमको खड़ा रहना है। इसके बात से सहमत नहीं हूँ कि मुसलमान गद्दारी नहीं कर सकता है, मुसलमान के खून में गद्दारी नहीं है। हम लोग 2 रोटी कम खाएंगे लेकिन गद्दारी नहीं करेंगे। तो मुसलमान जो है हमेशा और हमेशा ममता बनर्जी के साथ था, है और रहेगा। लोगों से अपील मेरी यही है कि आप अपना कीमती वोट को बर्बाद ना करें, वोट को बटने ना दें, ममता बनर्जी को बहुमत के साथ में जिताएं। और हम लोगों का टारगेट ये है कि लास्ट जब ममता बनर्जी 2011 में सरकार बनाई थी तो 184 सीट आया था, दूसरे बार में 212 सीट आया था, इस बार 240 सीट क्रॉस करेगी ममता बनर्जी। तो ये हमारे और आपके इकाई से ही होगा, वोट कहीं नहीं बटेगा, क्योंकि मुसलमान गद्दारी नहीं कर सकता किसी के साथ भी। क्योंकि जो हम लोग खाने दिया है, जिस रोटी पर हम लोग, जिस थाली पर हम लोग खाते हैं उसमें छेद नहीं करते हैं। लेकिन बीजेपी के पास में क्या है कि जिस लीडरशिप को वो लोग लेकर आगे बढ़ेगा उसी को धोखा देगा। किसान का आंदोलन इनके ऊपर बहुत भारी पड़ चुका है। जैसे CA NRC के टाइम पे हमारी माँ बहनें जो सामने टक्कर दी थी, आज हमारे सरदार भाई भी टक्कर दे रहे हैं। ये लोग अभी कम से कम 1 साल लड़ेंगे। मोदी जी सोच रहे हैं कि इतने ठंडे के टाइम पे 40 किसान वहाँ पे हलाक हो चुके हैं, इंतकाल कर चुके हैं, बाकी 20 और इंतकाल करेंगे तो ये लोग वापस चले जाएंगे। नहीं, ये लोग आपको मिट्टी में मिला के जाएंगे। ये आप भूल गए हैं कि जो सरदार और जो मुसलमान मिट्टी में मिलना जानता है, तो मोदी और योगी का सरकार को मिट्टी में मिलाना भी जानता है। नहीं, CA का और इसका ठप नहीं हुआ है, ये अपने जगह पे है। एक बार आप लागू तो करिए, फिर हमारी शेरनी रास्ता में उतरेंगी, फिर शेरनी रास्ता में उतरेंगी, ये याद रखें। जिस चीज़ से लोगों को ज़्यादा डर रहेगा उसी के बाद ज़्यादा करेंगे। तो
इनके पास में था कौन, ये बताइए। बीजेपी के पास में आज आप बता सकते हैं कि अगर बीजेपी सरकार में आएगा तो कौन सीएम बनेगा। वहाँ से मुकुल रॉय बोलेगा हम सीएम बनेंगे, वहाँ से दिलीप घोष बोलेगा हम सीएम बनेंगे। अभी एक और आ गया है आपका, वो क्या नाम है उसका, अधिकारी शुभेंदु अधिकारी, वो आ गया है। अब वो बोलेगा मैं सीएम बनूंगा, मैं डिप्यूटी सीएम बनूंगा। तो भाई सब आप लोग बन जाएंगे तो पब्लिक का ख्याल कौन करेगा। ये सिर्फ गद्दी की लड़ाई है, सीट की लड़ाई है, ये आवाम के भले की लड़ाई नहीं है कि भाई मैं अच्छा कुछ करूंगा। हमको लगता है कि आज गुलाम रब्बानी सरकार में आया है तो ये अच्छा कुछ करके दिखाएगा, लेकिन गुलाम रब्बानी भी जो है वही निकलता है। तो ये बीजेपी भी वही है। ये बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आपको सामान बेचना है तो आप ओएलएक्स में जाएं, और ईमान बेचना है तो आप बीजेपी में जाएं। बीजेपी अभी एक तरह का हो गया है वॉशिंग मशीन हो गया है। बीजेपी अभी हो गया है एक वॉशिंग मशीन, मतलब अपना जितना भी गुनाह है उसके अंदर घुस जाओ, थोड़ा सर्फ डाल दो और धुलाई हो जाएगा, वहाँ से आपका गंदगी निकल जाएगा। ये असल में क्या है पता है जावेद भाई, ये जो है मैं खुले अल्फाजों में कह रहा हूँ, गुलाम रब्बानी की आवाज़ आपके मीडिया के थ्रू जितने दूर तक जा रही है, मैं ये कहना चाहूँगा ये है कोयला। ये लोग जो है बीजेपी और उनके तमाम नेता हैं, छोटा वार्ड का नेता से लेकर बड़ा नेता जो है, ये लोग कोयला है, कोयला। अब कोयला को अगर आप सर्फ से धोइए, निर्मा से धोइए, लेकिन क्या काला रंग काला ही रहेगा। ये लोग काला है काला ही रहेंगे। तो इनका कभी आप समझ नहीं देखिए, सादा कोयला कभी नहीं देखिएगा, सादा कोयला कभी देखें नहीं देखें, ये काला ही रहेंगे। तो इनसे काले करतूतों की काली सरकार कहा जाती है इसको, ठीक है। यहाँ पर से जो हमारा शेप बंगाल, जो ये हम लोग आज ये प्रोग्राम यहाँ पर करें रब्बानी भाई के जरिया से, ये प्रोग्राम यहाँ पर हो रही है क्योंकि हम लोग बंगाल को सेफ देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बंगाल में बहुत सारे गंदगी आ चुकी है और वो लोग गंदगी फैलाना भी चाह रहे हैं। गंदगी फैलाना इसलिए चाह रहे हैं कि अभी हमारे खुद के हमारे कौम के हमारे पीछे पड़ गए रईसी साहब जो आ रहे हैं बंगाल में, हमारे बंगाल को खटपटाने लगे हैं कि ये वो है ऐसा है। भाई बंगाल हम लोग बहुत अच्छे हैं, हमारे जो सरकार है हम लोगों को बहुत अच्छे से लेकर चल रही है और इंशाल्लाह आगे भी चलेगी, आगे भी वो चलेगी इंशाल्लाह। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बीजेपी और उड़ैसी मिलकर ये हम लोग को यहाँ के लोग को गलबलाना पिपलाना चाह रहे हैं कि यहाँ के लोग के जो भी वोट काटने का कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ से ये मैसेज देना चाहते हैं अपने भाई अपने जितने भी अवाम को कि आप लोग किसी के बहकावे पर मत जाइए, आपका वोट बहुत कीमती है। एक वोट से भी इंसान आगे पीछे हो सकता है। प्लीज़ आप लोग अपना वोट को खोने ना दीजिए, किसी के बात में ना कीजिए, क्योंकि हम लोग एक है और एक ही रहेंगे और हमारी जो सरकार है हम लोगों को बहुत अच्छा से लेकर चल रही है। हम कहते हैं ममता बनर्जी जिंदाबाद।